الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सदका और खैरात क्या है और सदका खैरात करने से इंसान की परेशानियां और मुसीबतें किस तरह से ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि सदका और खैरात करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम मिलता है. दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ख़ास है, आप इसे पूरा ज़रूर सुने. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. लाइक करने से होता यह है कि वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं और ये लोगों को ज़्यादा दिखाई जाती है. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो. दोस्तों, ज़कात और फितरा के अलावा नफली तौर पर इबादत की नियत से अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए हम जो कुछ खर्च करते हैं उसे सदका और खैरात कहा जाता है. यही नहीं बल्कि इस्लाम में तो तकलीफ़ पहुंचाने वाली किसी चीज़ को रास्ते से हटा देने को भी सदका कहा जाता है. सदका की तौफीक बंदों के लिए एक इनाम है, क्योंकि इस बरकत से अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बलाओं से महफूज रखता है, यानी कि बचाता है, हमारी हिफाजत करता है. यही नहीं बल्कि इससे बंदे के गुनाह भी माफ़ हो जाया करते हैं. अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका गुनाहों को इस तरह से बुझा देता है जिस तरह से पानी आग को बुझा देती है. दोस्तों, अल्लाह की दी हुई रोजी और दौलत को दूसरों पर खर्च करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बड़े दिल की बात है. इंसान के खुद के इतने काम और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसे पूरा करना भी मुश्किल काम है. फिर उसके ऊपर गरीब मजदूरों की मदद करना ये और बड़ी बात है. इंसान अगर अपना दिल बड़ा करके अल्लाह की राह में सदका करता है और गरीबों की मदद करता रहता है, तो उसके बदले अल्लाह तबारक बताला उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है और अल्लाह इसके बदले इतना बेहतर इनाम देता है कि उस सदका देने वाले ने जिसके बारे में सोचा भी ना होगा, और उसके रिज्क में और इजाफा भी करता है. और जब उस शख्स के मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह भी आसानी से कब्ज की जाती है, और मौत के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा. दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक गुनाहगार औरत थी, वो एक कुएं के करीब से गुजरने लगी तो उसने देखा कि कुएं के करीब एक कुत्ता बैठा हुआ है जो प्यास से तड़प रहा था. औरत को उसकी हालत पर तरस आ गया. वो उस कुएं के पास गई और काफ़ी मेहनत के बाद उसने कुएं से पानी निकाली और उस कुत्ते को पिलाया और उसकी प्यास बुझाई. अल्लाह तबारक बताला को उस गुनाहगार औरत की ये नेक काम इतनी पसंद आ गई कि इस सदक़े के बदले अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिया और उसे बख्श दिया. दोस्तों, अल्लाह की बनाई हर मखलूक, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सब के काम आना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना भी एक सदका है. इस्लाम में इसे इबादत का दर्जा दिया गया है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के काम आने और उनकी मदद करने का हुक्म दिया है. हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी की मदद करे जैसे उसे पहनने के लिए कपड़े ना हों और उसे कपड़े दे, अल्लाह ताला बदले में उसे जन्नती कपड़ा पहनाएगा, और जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के मेवे खिलाएगा, और जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह उसे जन्नत की शरबत पिलाएगा. दोस्तों, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है तो हम उसे किस तरह से खर्च करते हैं. गरीबों पर एक रुपये खर्च करने में 10 बार सोचते हैं. लाखों रुपए कमाते हैं मगर अल्लाह की राह में खर्च करने में कतराते हैं. ये सोचते हैं कि ये जमा किया हुआ पैसा अच्छी ज़िंदगी जीने में काम आएगा.
सोचो अगर ज़िंदगी ही ना रही या किसी ख़तरनाक बीमारी में सारा पैसा मिनटों में ही ख़त्म हो जाए। ये कोई नहीं सोचता कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करता रहता है, हमें पानी देता है, खाना देता है और सांस लेने के लिए हवा देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। अल्लाह चाहे तो एक पल में बारिश को बंद कर दे जिससे नदी और तालाब सूख जाएं और खाना पानी मिलना बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इसी तरह से इंसान को ये भी सोचना चाहिए, अगर अल्लाह हमें इतना दे रहा है तो हम उसके बंदों को कुछ देने में क्यों पीछे रहें। अगर हम अपने रब की रजा के लिए किसी की मदद करेंगे तो हमारा रब भी बहुत खुश होगा और हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें भी अता करता रहेगा। बता दें कि अपने दौलत को अगर आप गरीबों पर खर्च करते हैं तो उससे आपकी दौलत कम कभी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बंदा मेरी राह में खर्च करेगा उसे उसके एक के बदले 10 दूंगा। तो दोस्तों, इंसान की सोच गलत है कि हम जो कमाते हैं ये सब मेरा ही है सिर्फ, बल्कि ये सोचो कि हमें अल्लाह रिज्क दे रहा है। अगर अल्लाह ने रिज्क देना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे। हमें चाहिए कि हम सबका हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसान खेती करता है, उसकी फसल में से बहुत से दाने परिंदे खा जाते हैं। इससे किसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ जानवर खा जाता है उसके बदले इंसान को सदके का सवाब मिलता है, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए हमें सदका और खैरात करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। अब दोस्तों, आपको हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि सदका और खैरात किस तरह से इंसान की परेशानियों को दूर करता है, सदका और खैरात किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को बचाता है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा कि दुनिया की चीज़ों में से तुम्हारा दिल किस चीज़ को खाने को करता है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि अनार को। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों कुछ देर सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे जिससे वो अनार खरीद सकें। फिर वो बाज़ार गए और किसी से एक दिरहम उधार लेकर अनार ख़रीदा और घर की तरफ आने लगे। रास्ते में एक बीमार आदमी जो कि सड़क पर पड़ा हुआ था, तो उसने देखा कि वो बहुत ही कमज़ोर और बीमार है, तो आप उसके पास रुक गए और उससे पूछा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो बीमार शख्स बोला कि ऐ अली, 5 दिन से मैं यहाँ भूखा पड़ा हुआ हूँ, ना जाने कितने लोग यहाँ से जाते हैं मगर किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। ऐ अली, आप पूछ रहे हैं तो मेरे दिल में अनार खाने की ख्वाहिश है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों सोचने लगे कि अगर अनार इसको खिला दिया तो फ़ातिमा महरूम रह जाएंगी, और इसे ना दिया तो अल्लाह की नाफरमानी होगी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने वो अनार उस बीमार आदमी को खिला दिया और वो बीमार उसी वक्त तंदुरुस्त होकर बैठ गया। और इस सदक़े की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सेहत भी अच्छी हो गई। तो दोस्तों, उसके बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ये सोचते हुए घर में दाखिल हुए कि फ़ातिमा को क्या जवाब दूंगा, तो हज़रत फ़ातिमा उन्हें देखकर खड़ी हो गई। हज़रत अली ने उन्हें सारा माजरा सुनाया तो हज़रत फ़ातिमा बोली कि आप गमगीन क्यों होते हो, अल्लाह ताला की इज्जत और जलाल की कसम, उधर आपने उस बीमार आदमी को अनार खिलाया और इधर अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी और मेरे दिल से अनार की ख्वाहिश भी चली गई। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इतने में
एक शख्स ने दरवाजे को खटखटाया तो हजरत अली ने फरमाया कि आप कौन हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैं सलमान फारसी हूँ। तो हजरत अली ने फरमाया, तो हजरत अली ने दरवाज़ा खोला और देखा कि सलमान फारसी के हाथ में कपड़े से ढका हुआ एक थैला है और वो थैला हजरत अली के सामने रख दिया। तो हजरत अली ने पूछा कि ये थैला कहाँ से आया। तो सलमान फारसी ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल को और अल्लाह के रसूल की तरफ से आपको दिया गया है। जब हजरत अली ने कपड़ा उठा कर देखा तो उसमें 9 अनार थे। फिर हजरत अली ने फरमाया कि ऐ सलमान, ये अनार आप ले जाओ, क्योंकि ये अनार मेरा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है, जो शख्स मेरी बारगाह में 1 देगा, बदले में मैं उसे 10 दूंगा। अगर ये मेरा होता तो 9 नहीं बल्कि 10 होता। सुभान अल्लाह। तो सलमान फारसी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और अपनी आस्तीन में से 10वां अनार निकाल कर थैले में रख दिए और बोले कि ऐ अली, खुदा की कसम, थैली में तो 10 अनार ही थे, लेकिन मैंने आपका इम्तिहान लेना चाहा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सदका और खैरात इंसान के जान और माल की हिफाजत करती है और किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को बचाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।